चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के बीच शिवाजी गौतम। आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडिफिनिट टेंस, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि यदि सबसे अधिक उपयोग में आने वाला यदि कोई टेंस है तो सबसे अधिक जो उपयोग में आने वाला टेंस होता है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। मैं आप लोगों को बता दूं कि यही एक ऐसा टेंस है जिससे कि हमारा पूरा बुक लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कहानी जो लिखी जाती है, ठीक है, वह जो है पास्ट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि वह बात बीती हुई होती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूं, आप लोगों को मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग इस टेंस को बहुत ध्यान पूर्वक जो है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी कि इसकी आइडेंटिटी, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आया, गया, खाया, लिया, दिया, सुना, पढ़ा, हंसा, नाचा, इटीसी शब्द लगा रहता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी जो सहायक क्रिया होती है, इसकी सहायक क्रिया डिड होती है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डिड होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो सहायक क्रिया जो डिड होती है, इसका नियम जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे। यदि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हो तो सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है, ठीक है, तो सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन डिड का, ठीक है, प्रयोग सिर्फ नकारात्मक और प्रश्नवाची वाक्यों में ही प्रयोग किया जाता है। यानी जो डिड होता है, उस डिड का प्रयोग यानी सहायक क्रिया का प्रयोग सिर्फ नकारात्मक और प्रश्नवाची वाक्यों में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यदि ठीक है वाक्य, और यदि जो वाक्य जो होता है, जब यदि आपका क्या हो, नकारात्मक और प्रश्नवाची हो, तो उसमें जो है मुख क्रिया का पहला रूप आता है। और यदि वाक्य आपका साधारण हो, यदि वाक्य क्या हो, साधारण है, जिसमें निगेटिव वर्ड ना हो, कोई क्वेश्चन, ठीक है, चिन्ह ना हो, तो ऐसे जो है वाक्यों में कर्ता के ठीक बाद मुख क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। यानी दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है, यदि आपको नकारात्मक प्रश्नवाची वाक्य यदि मिलता हो तो उसमें जो है मुख क्रिया का पहला रूप आता है, और यदि वाक्य साधारण रहता है तो कर्ता के ठीक बाद मुख क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को, अब मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो आपका स्ट्रक्चर है, यानी इसका जो बनावट है, यानी इसको हम बनाते कैसे हैं, तो देखिए पहले हम सभी सेंटेंसों को देखेंगे और स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर है, ये जो पहला जो सेंटेंस है, तो पहला सेंटेंस हमारा पहले स्ट्रक्चर पे बनेगा। कह रहा है कि सब्जेक्ट भीटू और अदर वर्ड, यानी रितिका घर गई, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ रितिका करता है तो रितिका हो जाएगा, रितिका, ठीक है, रितिका। अब देखिए, भीटू का मतलब क्या होता है, जाना का चिन्ह होता है, गई यानी कि गो, और गो का भीटू रूप यानी कि दूसरा रूप, क्रिया का जो है दूसरा रूप का प्रयोग करते हैं। जब साधारण वाक्य होता है तो कर्ता के ठीक बाद मुख क्रिया का कौन सा रूप आता है, दूसरा रूप आता है। इस बात को आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, ठीक है। तो जाना का चिन्ह होता है गो, तो गो का दूसरा रूप क्या होता है, वेंट, WENT, वेंट। अब गो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, टू, गो टू हाउस, ठीक है। देखिए, अब दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो दूसरे वाले स्ट्रक्चर से, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, रितिका, क्या हो गया, रितिका। अब देखिए, नट लगा है तो क्या हो जाएगा, रितिका नट, नट हो जाएगा। उसके बाद डीड, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, ठीक है। देखिए, यहां पे पहले जो होता है सहायक क्रिया, ठीक ना, डीड नॉट, यहां पे नॉट डीड नहीं होता, यहां पे डीड नॉट होता है, क्या होता है, सहायक क्रिया डीड,
और उसके बाद तब यहाँ निगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। इसको आप सब लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर सहायक क्रिया डिड, उसके बाद तब नॉट, तब भी वन। तो रितिका हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया क्या आएगा? डिड, ठीक है, डिड। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। क्या जाएगा? रितिका डिड नॉट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पहला रूपांतर रहेगा, ठीक है ना, गो टू हाउस, ठीक है। देखिए जब आप लोगों का जब नकारात्मक वाक्य आने लगा, ठीक है, इसका मतलब समझ जाइए कि क्रिया का जो है अब जो है पहला रूप आने लगेगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख तीसरा देखते हैं। और तीसरा जो तीसरे बनेगा, क्या शुरू में आया है? सिर्फ सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, डिड, तो क्या हो जाएगा? डिड। उसके बाद रितिका, डिड डिड रितिका। अब गई तो क्या हो जाएगा? गो टू हाउस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब क्या रितिका घर नहीं गई, तो हो जाएगा डिड डिड रितिका, डिड रितिका नॉट, ठीक ना, गो टू हाउस, ठीक है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं, पांचवा स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि आपका प्रश्न सूचक शब्द वाक्य बीच में आया है, तो उसका पहला अंग्रेजी बन जाएगा, हो जाएगा व्हाई डिड रितिका, व्हाई डिड रितिका गो टू हाउस, ठीक है। अब देखिए आपका जो छठवां स्ट्रक्चर है वो क्या है? रितिका घर क्यों नहीं गई, तो व्हाई हो जाएगा प्रश्न सूचक शब्द, व्हाई डिड रितिका, ठीक है, रितिका गो, निगेटिव वर्ड है तो यहां पे कर्ता के बाद नॉट भी आएगा, तो हो जाएगा आप नॉट गो टू हाउस, ठीक है। चलिए आप सभी लोग जो है एग्जाम्पल अपने से आप जो है लिख कर बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, और बहुत आसानी से इस सारे स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए। ये आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो आप सेंटेंस जो है बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यदि मेरी ये बातें यदि आप लोगों को समझ में आ रही हो, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे मनोबल को और बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन बटन दबाएं, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है, जो मेरा जो मैं आप लोगों को जो बना बना के जो मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को पहले मिल सके। इसलिए मैं आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब भी कर दें।